हेलो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स ऑफ 7th एंड 8th जनवरी 2023। सो करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक बी ए रिक्वायर को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, देर किस बात की, ताकि आप हर रोज एक नया लीगल मैगजीन सीख सके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हर रोज आपको करंट अफेयर का क्विज भी वहीं पे सॉल्व करने को मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज से कि इंडिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम इनॉग्रेट किया गया ओडिशा में। ये स्टेडियम का नाम पड़ा बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। ये इनॉग्रेशन किया चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने, एंड ये स्टेडियम का नाम रखा गया है इन द रिमेम्बरेंस ऑफ द ट्राइबल फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा। सेकेंड न्यूज है, इंडिया ने गेन किया उसका 79th ग्रैंड मास्टर। ये टाइटल अवार्ड किया गया एक 16 ईयर ओल्ड परनेश एम को, जो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। तो उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो परनेश ने अपना पहला नॉम जो है वो 18th दिल्ली जीएम ओपन में जीता था जनवरी 2020 में, और उन्होंने अपना सेकंड नॉम जीता सनवे साइड्स इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में, जो स्पेन में हुआ था दिसंबर 2021 में। फिर नवंबर 2022 में थर्ड नॉम जीता एशियन कॉन्टिनेंटल चेस चैंपियनशिप में, जो स्टॉकहोम में हुआ था स्वीडन में। एंड फाइनली जो है उन्होंने अचीव कर लिया ईएलओ रेटिंग के वो ग्रैंड मास्टर बन सके। थर्ड न्यूज है, वर्ल्ड का पहला पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम जो है वो ओपन किया गया केरला में। तो ये म्यूजियम जो है वो वर्ल्ड का ऐसा पहला काइंड है जो टोटल 187 मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में वहां पे बताता है। उसके आर्टिफैक्ट्स जो है वो रिलेटेड है फॉर्मर ट्रेवनकोर किंगडम से, जो 650 AD को बिलोंग करते थे, एंड वो लास्ट करते थे टिल द 19th सेंचुरी। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स है वो काफी अलग अलग रीजन से है, स्पेसिफिकली फ्रॉम कोची एंड मलाबार। ये म्यूजियम जो है वो डिवाइडेड है टोटल 8 गैलरीज में, और हर एक गैलरी जो है एक अलग अलग एस्पेक्ट ऑफ ट्रावनकोर हिस्ट्री को फोकस करती है, जो इंक्लूड करती है हिस्ट्री ऑफ राइटिंग, लैंड एंड पीपल, एडमिनिस्ट्रेशन, वॉर एंड पीस, एडुकेशन एंड हेल्थ, इकोनॉमी, आर्ट्स एंड कल्चर, एंड महित कलम रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट न्यूज है कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर कर लिए है सारे प्लीज जो सेम सेक्स मैरिज के रिलेटेड थे अपनी तरफ। तो ये जजमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने, ये डिसीजन जो है वो फ्राइडे को लिया। सारे पेटिशंस जो अलग अलग हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है, जो लीगल रिकॉग्निशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज के लिए पेंडिंग है, वो अपनी तरफ उन्होंने खींच लिए। तो एक 3 जज बेंच था जिसको लीड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। उन्होंने बोला कि काफी सारे ब्रॉड कंसाइंस है अमंग द पेटिशनर्स, जो शिफ्ट करना चाहते हैं ये केस सुप्रीम कोर्ट में फॉर एन अथॉरिटेटिव रूलिंग ऑन द सेम इशू। एंड क्वेश्चन जो है वो अराइज हुआ था कि सेम सेक्स मैरिज जो है वो लाया जाना चाहिए कि नहीं अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सारे जो केसेस थे पेंडिंग वो अपनी तरफ जो है वो ले लिए है, ट्रांसफर कर लिए है। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया वर्चुअली होस्ट करने वाला है वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट, जहां पे 120 कंट्रीज इनवाइट किए जाने वाली है। ये इनिशिएटिव इंस्पायर किया गया है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जिसका विजन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एंड सबका प्रयास, जो एक अंडरपाइंड है इंडिया की फिलोसॉफी वसुदेव कुटुंबकम से। इंडिया G20 समिट होस्ट करने वाली है, जिसका प्रेसिडेंसी भी इंडिया के पास आ गया है स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 दिसंबर 2022। G20 समिट का भी जो थीम है वो यही है, वसुदेव कुटुंबकम। इस वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में इंडिया वर्क करने वाली है, ताकि वो इंश्योर कर सके कि वैल्यूएबल इनपुट्स जनरेट हो रहे हैं दूसरे पार्टनर कंट्रीज की तरफ से, एंड काफी सारे डेलिब्रेशन जो है वो भी रिसीव हो रहे हैं ड्यू टू कॉग्निसेंस ग्लोबली। ये थीम जो है इनॉग्रल लीडर सेशन का वो होगा वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ फॉर ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट, एंड दैट ऑफ द कंक्लूडिंग लीडर सेशन इन द यूनाइटी ऑफ वॉइस एंड यूनाइटी ऑफ पर्पस। So that's it guys, do subscribe to our channel for daily current affairs videos and do like this video.
सो बी एडुकेयर इज एन एंट्रेंस एग्जाम स्पेशलिस्ट जो लॉ, एमबीए और अदर गवर्नमेंट जॉब के एंट्रेंस एग्जाम के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, जो है क्लासरूम, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, बुक्स एंड ई बुक्स फैसिलिटीज. फॉर मोर डिटेल्स आप ये नंबर दैट इज 8383818888 पे कॉन्टेक्ट करके जो है सब डिटेल्स जान सकते हैं, या तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मैंशन कर सकते हैं.